नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। अभी हम मौजूद हैं राजीव रंजन जी के पास। आपको बता दूं कि राजीव रंजन जदयू के नेता है। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, सर कैसे देखते हैं? देखिए, संसद, सरकार और संगठन तीनों ही फोरम पर ललन सिंह जी का अविस्मरणीय योगदान है। पार्टी की स्थापना काल से नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उभरे नेता हैं। कर्पूरी जी के साथ भी उन्होंने काफ़ी लंबी पारी निभाई है और कार्यकर्ताओं के अंदर उनके नियुक्त होने के बाद काफ़ी हर्ष और उल्लास का वातावरण बना है। तो निसंदेह उनका जो ये मनोनयन है, ये एक अभूतपूर्व निर्णय है और इस निर्णय से पार्टी को अपने विस्तार में काफ़ी मदद मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे नीतीश कुमार जो भी सीएम हैं उनके बारे में कह दिए हैं कि पीएम मटेरियल है, इसे कैसे देखते हैं? इसमें दो राय क्या है। इस देश में चंद ऐसे राजनेता हैं जिनके अंदर किसी भी जिम्मेवारी के निर्वहन करने की क्षमता है। नीतीश कुमार जी ने जब भी कोई जिम्मेवारी मिली उसको बखूबी निभाया है, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं, इसीलिए उनकी इच्छा नहीं है, उन्होंने खुद जताया कि वो ऐसी कोई आकांक्षा उनके मन में प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले करोड़ों लोग ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं, अगर वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो देश की उम्मीदों के कसौटी पर खड़े उतरेंगे। विपक्ष हमलावर है, कह रहा है विपक्ष की जदयू में अब टूट होने वाली है। पता नहीं उन मौसम का विज्ञान उनको किसी पार्टियों के टूट के बारे में कैसे बता रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका बचना संदिग्ध दिख रहा है। इसलिए कि जदयू तो पूरी तरह से एकजुट है, चुनाव के बाद कुछ लोग जुड़े हैं, बाकी दलों के अंदर टूट की जो आशंका है उसको ठीक करना उनकी जिम्मेवारी है। वो हमारे यहाँ के फूट और टूट की चिंता न करें, अपने अपने पार्टी को बचाएं, ये उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं आप? जातीय जनगणना समय की मांग है। जो भी योजनाएं बनती हैं पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के लिए या आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े सवर्ण हैं, कहीं ना कहीं आरक्षण जिन वर्गों को मिल रहा है या जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जब संख्या का पता होगा तो निसंदेह इन योजनाओं को ज़्यादा कारगर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। और इसीलिए जो लोग भी इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इस देश की जनभावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक बतौर आखिरी सवाल है सर आपसे कि सीएम बनने से पहले चुनाव में वादा किए थे सीएम नीतीश कुमार की 19 लाख रोजगार देंगे, तो अभी तक कोई भी रोजगार युवा को मिला नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि रोजगार हर दिन नई नई नियुक्तियां अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं और 19 लाख रोजगार सीधे नौकरियों की बात नहीं कही गई है, उसमें नियोजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नियोजन का अर्थ है जो भी यहाँ उद्यम लगेंगे, उद्योग लगेंगे, उसमें भी उन्हें रोजगार मिलेंगे। एक नींव डाल दी गई है, पृष्ठभूमि तैयार है, कई लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं और उन्होंने जब भी कुछ कहा है, अगर उन्होंने बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का वादा किया, बिजली देने का वादा किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया, सात निश्चय की बात कही, शराबबंदी की बात की, सबको पूरा किया है तो रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जदयू नेता राजीव रंजन जी। साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से विपक्ष जो है सवाल कर रहा है तो साफ तौर पे ये खारिज करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी जो है अटूट है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए मघी आवाज बिट्टू के साथ पटना।